हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप दिस प्रॉपरली ऑडिबल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Okay, I guess it's properly audible. Okay, fine. So, welcome everyone. Good evening and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। And today we will be discussing about the ideas of Harold Lasky. Okay. So, I guess last week ही हमारी क्लास पेंडिंग रह गई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते। So, today we are going to cover this topic of Harold Lasky, which is again becoming important in the examination regularly. So, काफी सारे सवाल जो है लास्की से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर कभी एग्जैक्ट कोट जो है राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह पे जो लास्की ने दिया है। सो टुडे वी विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। वॉइस इको है बट ओके फाइन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, हेलो, आई गेस नाउ इट्स फाइन। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। प्लीज सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। जो भी क्लासेस के पीडीएफ वगैरह है, जब भी फ्री क्लासेस की पीडीएफ मैं देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड यू कैन पुट अप योर क्वेरीज ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप। ओके फाइन, ओके, गुड इवनिंग, ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। थैंक यू एवरीवन। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अ वंडरफुल कोट दैट वाज गिवन बाय लास्की अगेन, व्हिच इज वेरी फेमस एंड मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो इट बेसिकली सेज कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स। तो हर राज्य को हम कैसे जानते हैं कि किस प्रकार के अधिकार वो देता है लोगों को, अपनी जनता को जिस प्रकार के वो अधिकार देता है, उसी से आप एक राज्य को समझ सकते हैं कि किस प्रकार का राज्य है। ओके, सो एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेट, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, व्हाट लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द काइंड ऑफ राइट्स। ओके, इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेट और इट्स अ रिग्रेसिव स्टेट। ओके, कि एक बेसिकली बोल सकते हैं कि लाइक आपको विकासात्मक राज्य है कि कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने वाला राज्य है, अथॉरिटेटिव स्टेट है। ये सब कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार के अधिकार वो अपने राज्य राज्य जो है जनता को दे रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फेमस स्टेटमेंट है, किस क्या बोल सकते हैं, हेरोल्ड लास्की का, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग हिम। सो ही वाज अ इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो एंड अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी। सो ऑब्वियसली ही बिलोंग्स टू द सोशलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ थॉट। जब आप लेबर पार्टी के मेंबर हैं, मतलब सीधी बात है, लेबर पार्टी के मेंबर होना है, मतलब सीधी बात है, समाजवादी विचारों का आप समर्थन करते हैं। अंग्रेजी राजनीतिक सिद्धांत, मतलब बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। सो हेरोल्ड लास्की इंग्लैंड से थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, एंड स्पेशली ही वॉज ऑल्सो ए पॉलिटिशियन प्रॉपरली। ओके, सो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन भी थे, लेबर पार्टी के मेंबर भी रहे और उसमें बहुत सारे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, ठीक है। नाउ अगर हम लास्की के अर्ली वर्स की बात करेंगे, स्पेशली सो ही प्रोवाइडेड सम एसेज लाइक स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी विच इज वेरी फेमस, ओके, एंड अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, देन फाउंडेशन ऑफ सोवरेनिटी। ये तीन ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां से आप बोल सकते हैं एक फाउंडेशन स्टार्ट होता है लास्की के आइडियाज का। एंड अगेन इवन विद इन द थ्योरी दैट ही वॉज बेसिकली गिविंग,
सो लास्ट की ऑल दो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स एंड अगेन लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फॉर एग्जांपल द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ओके देन वी के मेनन के आर नारायण ओके दीज ऑल पीपल दे वर स्टूडेंट ऑफ लास्की एक्चुअली ओके लास्की के जो लेक्चर्स हैं लास्की ने जो आइडियाज दिए हैं तो जो भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जिनको हम जानते हैं वो जो लोग ब्रिटेन गए वहां पे उन्होंने एजुकेशन ली सो उन सब ने कहीं ना कहीं लास्की से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है उनके आइडिया से बट अगर लास्की के आप कैरियर को देखेंगे सो He has different point of views, okay? मतलब एक ideology नहीं है बहुत सारी ideologies से वो relate करते हैं पहले pluralistic perspective, then socialist perspective, फिर Marxism के ideology से influence, मतलब जैसे जैसे विचार आते गए उन विचारों का प्रभाव जो है लास्की के विचारों में पड़ता गया और उस प्रकार की बातें उन्होंने लिखी तो शुरुआत में हम बात करेंगे sovereignty को अच्छा एक बहुत important aspect है लास्की के perspective का कि state की authority एंड सोवरेनिटी पर उन्होंने बहुत क्वेश्चंस किए मतलब स्टेट को एक ओवर पावरफुल स्टेट का पर्सपेक्टिव वो चैलेंज करते हैं कि बहुत अथॉरिटेटिव स्टेट वगैरह की जो पर्सपेक्टिव है सो वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन भी लिखे हैं सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट दैट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लास्की लास्की का मानना है कि जो सोवरेनिटी है जो संप्रभुता है राज्य की वो सिर्फ एक किसी बेसिकली सरकार पे नहीं या फिर स्टेट पे नहीं वो बेसिकली जनता से रिलेट करके आती है तो इस प्रकार की अलग अलग बातें जो है उन्होंने कही है नाउ अगर हम बात करेंगे सो लास्की बिकेम ए प्रोपोनेंट ऑफ मार्क्सिज्म एंड बिलीव्ड इन प्लान्ड इकोनॉमी बेस्ड आल्सो ओके सो एक उनके वक्त का मतलब इसी लाइफ में एक ऐसा पीरियड भी आता जब वो प्रॉपरली एक मार्क्सिस्ट थिंकर बन गए इट मींस ही स्टार्टेड सपोर्टिंग द मार्क्सिस्ट वे ऑफ थिंकिंग ओके बट नॉट द ब्लडी रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग ओके तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझा कि हाँ भाई सामाजिक विकास सोशल इक्वेलिटी का मतलब मार्क्सिस्ट वे की अगर हम बात करें तो मार्क्सिज्म से स्पेशली हम बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी सामाजिक समानता की बात ठीक है सोशल इक्वेलिटी के परस्पेक्टिव से वहां पर इंस्पायर थे कार्ल मार्क्स वाला वो नहीं कि ब्लडी रिवॉल्यूशन करना है और आपको तानाशाही क्रिएट करनी है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्यूरेटेड क्लास जिसको हम बोलते हैं कि सर्वहार वर्ग की तानाशाही इस प्रकार की बातें नहीं की बट हाँ इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात करते थे कि कॉपरेटिव स्टेट हो कॉपरेशन हो डेवलपमेंट हो सबका और इकोनॉमिकल लिबर्टी सॉरी बोल सकते हैं कि पर्सनल लिबर्टीज वगैरह की उन्होंने सपोर्ट किया है सो यस इंस्टेड ऑफ सोइंग अ कोएर्सिव स्टेट ओके सो एक कोएर्सिव स्टेट जो कि मार्क्सिस्ट फिलोसफी में आता है उसकी बात नहीं की उन्होंने बट लास्की बिलीव इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉपरेटिव स्टेट्स दैट वर इंटरनेशनली बाउंड एंड स्ट्रेस सोशल वेलफेयर ओके सो उन्होंने जिस प्रकार का राज्य का अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है या फिर जो बोल सकते हैं एक सर्वहार वर्ग की तानाशाही की बट मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस थे मार्क्सवादी विचार से या फिर मार्क्सिस्ट जो डेवलपमेंट पैटर्न है कि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट हो या फिर आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट मॉडल जो कि स्पेशली हम देखते हैं कहां पे रशिया में स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर स्पेशली बोला था सोवियत यूनियन में सो उन सब चीजों से इंस्पायर्ड थे बट जिस प्रकार का आइडिया कार्ल मार्क्स ने क्रांति का दिया था वो क्रांति वाला विचार नहीं बट उनका जो सोशल इक्वेलिटी का पर्सपेक्टिव है वो सामाजिक समानता का पर्सपेक्टिव जो है लास्की के विचारों में दिखा हालांकि उन्होंने साथ साथ जैसे कि मैं बता रहा हूँ उन्होंने कमिटेड टू सिविल लिबर्टीज ऑल्सो मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बात की है नागरिक स्वतंत्रता के फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया है एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी ओके सो मार्क्सिस्ट वैल्यूज जिसको बोल सकते हैं स्पेशली मार्क्सिस्ट जो आइडिया है सोशल इक्वेलिटीज का इकोनॉमिकल इक्वेलिटीज का इनइक्वेलिटीज को रिमूव करना समाज में जो वर्ग है वर्ग संघर्ष है उसको खत्म करना उन सबसे प्रेरित जरूर थे परंतु ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मार्क्सवादी हो गए कि वो बिल्कुल क्रांति की बात करें एक डिक्टेटोरियल रिजिम की बात करें नहीं सिविल लिबर्टीज का सपोर्ट किया फ्री स्पीच की बात की जैसे स्पेशली अगर आप देखें ना कि इंडियन सोशलिस्ट भी ऐसे थे अगर हम नेहरू की बात करें लोहिया की बात करें या फिर जयप्रकाश नारायण की बात करें So, those Indian socialists, they were influenced by the socialist ideology, okay? वो समाजवादी विचार से प्रेरित थे कुछ हद तक मार्क्सवादी विचारों से ही प्रेरित थे बट ऐसा नहीं कि मार्क्स की जैसी क्रांति करने की बात किसी ने नहीं की ब्लडवाद की बात किसी ने नहीं की वैसे ही लास्की भी थे अच्छा फेमस किताबों की अगर हम बात करेंगे सो ग्रामर और पॉलिटिक्स आप सब लोग जानते हैं देन लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट एंड द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हेरोल्ड लास्की की जो आप याद रख सकते हैं ठीक है सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया हेरोल्ड लास्की के बारे में हाँ जी प्लूरिस्टिक थिंकर है बिल्कुल ऑब्वियस बात है ही इज अ प्रोपोनेंट थिंकर ऑफ यस प्रोपोनेंट थिंकर ऑफ राइट ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी में है क्या मतलब ये कौन से यूनिट में है ये किसी यूनिट में देखिए हर चीज हाँ मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं सबसे पहली बात तो देखिए होता क्या है सिर्फ सिलेबस आपको एक दिया गया है बट उसका मतलब नहीं कि हर चीज सिलेबस में लिखी गई हो सिलेबस में हमने राइट्स देखते हैं इक्वलिटी पढ़ते हैं जैसे आपका पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे तो राइट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इक्वलिटी पढ़ते हैं लिबर्टी पढ़ते हैं
तो उन सबके बारे में इन विचारकों ने कुछ ना कुछ कहा है, लास्की ने भी कहा है, तो वो पूछ लेंगे। ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं चल ये जो वेसली टॉपिक है हमने राइट राइट निकाला, सिर्फ राइट पूछेंगे, राइट से रिलेटेड किसी थिंकर का नाम नहीं, तो थिंकर के आइडियाज वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे लास्की ने राइट्स के बारे में बात की है, इक्वेलिटी को समझाया है, लिबर्टी को समझाया है, तो वो सब सवाल वहां पे आएंगे। तो यूनिट नंबर वन से आप रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, यूनिट नंबर टू में तो नाम नहीं दिया गया है, बट हाँ यूनिट नंबर वन में इनका नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके चलिए, सो अब जरा बात करते हैं लास्की के कुछ कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले एक स्टेटमेंट है कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ही कैन नॉट सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट एंड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स। जो अभी स्टेटमेंट मैंने बताया आपको कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना वह सामान्य स्वयं को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब एक पर्सन की जो की बेस्ट क्वालिटी है, ओके, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी अचीव्ड बाय ओनली बाय द बेसिकली व्हाट वी कैन से द राइट्स दैट ही इज गेटिंग। एंड अगेन वो जो स्टेटमेंट रिमेनिंग पार्ट की एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंशन, कि प्रत्येक राज्य को आप उसके द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों से ही जानते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बेसिकली कही है। हाँ जी बिल्कुल सही है आप, पॉलिटिकल साइंस 001 पॉलिटिकल साइंस, यस आप सही है, बिल्कुल सही। ओके सो अच्छा एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कभी कभी ये डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, कि ये डेफिनेशन किसके, जैसे इस बार भी एग्जाम में आया था, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा हो, दो क्वेश्चन जो है लास्की से आए हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाले भी। सो लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ, ओके लास्की ने क्या बोला कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन Which in modern civilization are necessary guarantee of the individual happiness, okay? मतलब लास्की बोलते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? उन सामाजिक, okay? उन सामाजिक परिस्थितियों के का ना होना जो कि बिसरी आप बोल सकते हैं, बिसरी उन सामाजिक परिस्थितियों के होने का बिसरी की absence ना होना, सीधी बात है, जिस जो कि उन्होंने सिंपल समझाया कि जिन जो चीजें आज के मॉडर्न सोसाइटी में रहने के लिए आवश्यक है उनकी अनावश्यकता ना होना ही स्वतंत्रता है। मतलब वो बेसिकली उनकी अवेबिलिटी प्रेजेंट, अवेबिलिटी हो, सीधी बात है, वो घुमा के बोला गया है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस कंडीशन व्हिच इज मॉडर्न सिविलाइजेशन आर नेसेसरी गारंटी फॉर द इंडिविजुअल हैप्पीनेस। मतलब जो चीजें इस मॉडर्न टाइम पीरियड में, इस आधुनिक वक्त में मानव की खुशी के लिए आवश्यक है उनका अभाव ना होना, और बहुत आसान भाषा में बोला जाए कि जो आवश्यक जो चीजें मानवों की बेसिकली बोल सकते हैं आवश्यकता, जो आधुनिक सभ्यता में उनकी खुशी के लिए आवश्यक है, उन चीजों का अभाव ना होना ही स्वतंत्रता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ लास्की के आइडियाज देखेंगे, लिबर्टी पे ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ बाय लिबर्टी लास्की मींस द ईगर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, ओके, उस माहौल का की व्यवस्था रखना जिसमें पुरुष या बोल सकते हैं इंसान जो है अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है, ओके, बेस्ट डेवलपमेंट, ओके, जब स्वतंत्र होता है तभी अपना सबसे बेहतर विकास जो है इंसान कर सकता है, लास्की मानते हैं, और उसी प्रकार से ये डेफिनेशन लिखे। ये डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में मिल सकती है कि इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू विच थिंकर लिबर्टी इज द कंडीशन लाइक लेट्स से मेंटेनेंस ऑफ दोस कंडीशन विच विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट सेल्फ ऑफ ए इंडिविजुअल, ओके, एक व्यक्ति के सबसे सर्वोत्तम होने में कौन सी सिचुएशन बेसिकली कंपल्सरी है। चलिए फाइन, सो इसके अलावा एक और बहुत अच्छा डेफिनेशन है लास्की डजंट नॉट, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जेएस मिल को हम सब लोग जानते हैं, जेएस मिल ने ह्यूमन एक्शन को क्लासिफाई किया सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग में, ओके, आत्म संबंधी और अन्य गतिविधि, ओके, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन किसने, मिल ने बोला है, जेएस मिल ने, ठीक है, तो जेएस मिल ने सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग की बात की, बट लास्की जो है मिल के दिए गए इस आइडिया को के एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने बोला, लास्की ने बोला कि जो ये सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग में ह्यूमन एक्शन को या फिर लिबर्टी को डिवाइड किया है वो अपने आप में गलत है। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर क्रिटिसाइज द बेसिकली मिल्स डिवीजन ऑफ एक्शन एज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ओके, तो किस विचारक ने जेएस मिल के सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन को डिवाइड किया, जैसे कि अर्ल्स बार्कर भी अगर आप देखें तो बार्कर भी बोलते हैं कि जेएस मिल इज अ प्रोपोनेंट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, जेएस मिल को उन्होंने एक बिसरी बोल सकते हैं एक खोखली स्वतंत्रता का समर्थक प्रोपोनेंट माना है, वैसे ही
लास्की भी जीएस मिलके विचारों का विरोध करते हैं, ठीक है फाइन। अच्छा जी, रोहित शर्मा महान बल्लेबाज, अपना नाम तो लिख लीजिए, गोल गोल चकरिया घूम रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी दैट वाज इन्फॉर्म्ड बाय जेएस बेसिली लास्की। ओके, लिबर्टी प्राइवेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सो लास्की ने कहा कि स्वतंत्रताओं की जो लिबर्टी है उसकी तीन एस्पेक्ट है, एक व्यक्तिगत स्तर पर प्राइवेट लिबर्टी, दूसरा पॉलिटिकल लिबर्टी राजनीतिक स्वतंत्रता, और तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। तीन डायमेंशंस उन्होंने बताए हैं लिबर्टी के। दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू लास्की, हेरोल्ड लास्की, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन और विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ लिबर्टी। कि लास्की के हिसाब से इनमें से कौन सा एक डायमेंशन है लिबर्टी का, कौन सा नहीं है, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार एवरीवन प्लीज क्विकली लाइक एंड शेयर द सेशन। ओके, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते इतना उसमें बिजी हो जाते हैं कि क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए फटाफट एक बार एवरीवन क्विकली लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? फाइन, सो ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी है लास्की की राइट्स को लेकर, लिबर्टी को लेकर। अब जरा जो उन्होंने तीन कंपोनेंट्स बताए हैं राइट्स के, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। एक क्लास नारीवाद की ले लीजिए। चलिए देखिए, प्रयास करेंगे ज्योति, जब भी वक्त मिलेगा डेफिनेटली ले लेंगे। चलिए सब लोग एवरीवन प्लीज क्विकली लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जाकर आप जो है प्रॉपर सिंगल सब्सक्रिप्शन लेकर पेपर नंबर वन पेपर नंबर टू की पूरी क्लासेस, पूरा सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट का। ओके, सो यू कैन टेक योर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके प्रॉपर नोट्स, क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा पेपर नंबर वन पेपर नंबर टू दोनों, ठीक है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। ओके, मॉक टेस्ट लगाना हुआ जो भी, मतलब प्रिपरेशन के लिए जितना भी कुछ चाहिए सब कुछ आपको एक जगह वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ जी भाई, ये फ्री क्लास ही तो है और क्या, यूट्यूब पे फ्री क्लास ही होती है पिन्नू जी। अच्छा ये बताइए, अगर यूट्यूब पे अगर क्लास हो रही तो फ्री होगा ना, यूट्यूब पे कैसे पेड क्लास हो सकता है? पेड क्लास टेक्स्टबुक ऐप पर होता है पिन्नू, ठीक है। टेक्स्टबुक ऐप को आप डाउनलोड करेंगे वहां पे, उसमें भी फ्री क्लास का भी ऑप्शन है, पेड का भी ऑप्शन है, ठीक है फाइन। ये फ्री क्लास है, यूट्यूब क्लास, तभी तो आप देख पा रहे हो, ठीक है फाइन। चलिए, ये अच्छा नया सवाल, ये पहली बार मैंने देखा किसी स्टूडेंट को कि अच्छा बहुत नए हैं लग रहा है आप दुनिया में। एक क्लास पुरुषवाद पे भी ले लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। पुरुषवाद कौन सा कॉन्सेप्ट है उत्तम जी, पहले आप विचार दे दीजिए विचारधारा, फिर हम इस पे क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं थ्री डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लिबर्टी दैट वॉज बेसिकली बीन गिवन बाय लास्की। तो लास्की ने तीन डिफरेंट डायमेंशन बताए हैं। डायमेंशन क्या है? प्राइवेट लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिकल लिबर्टी, मतलब निजी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। बहुत सिंपल है, शब्द देख के ही आप समझ सकते हैं कि निजी स्वतंत्रता क्या होगी, जो कि आपके निजी मामलों में आपकी प्राइवेट लाइफ की बात करेगी, जो जिसमें इन द सेंस ऑफ योर प्राइवेट योर ओन इंटरनल मैटर यू आर फ्री टू चूज। ओके, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपके व्यक्तिगत मामला, आपका धर्म हुआ, आपकी शादी हुई, जो भी है, ठीक है, वो आपका पर्सनल मामला है, ठीक है। प्राइवेट लाइफ मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस An action in the area of life which affects the individual himself. Okay, जैसे कि according to J.S. Mill, it is self-regarding action. Okay, जैसे कि J.S. Mill ने उसको self-regarding बोला था, वैसे यहाँ पे private life, ठीक है, उन्होंने बोला कि liberty का एक aspect है private. It is the opportunity to be fully himself in the private relation of the life. Okay, the state should not interfere with the affairs of private life. तो लास्की ने बोला कि जो आपका निजी स्वतंत्रता है उस मामले में राज्य की दखलंदाजी नहीं, और निजी स्तर पर इंसान अपने हिसाब से कुछ भी जो चुनना चाहे चुन सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। अब दूसरा लिबर्टी जो होगी आपकी क्या होगी, तो पहले तो हो गई आपकी निजी स्वतंत्रता। तो निजी स्वतंत्रता क्या है कि निजी मामले में जो कि आपके व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे कि आपका धर्म है, आपकी शादी है, आपका पर्सनल लाइफ है, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है फाइन। सो वो आपका बेसिकली निजी स्वतंत्रता हो गई। ये जीवन के निजी संबंधों में पूरी तरह से स्वयं होने के अवसर का अवसर है, और राज्य को निजी स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। नाउ सेकंड आता है पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता। बहुत सीधी बात है कि यहां पे आपको यू आर पॉलिटिकली फ्री टू चूज योर पॉलिटिकल, लेट्स से व्हाट वी कैन से लाइक चॉइस, ओके, कि किस प्रकार के राजनीतिक विचारों का आप समर्थन करेंगे, किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे, यू आर पॉलिटिकली फ्री। ओके,
सो मींस फ्रीडम टू चूज एंड एक्ट इन द एक्टिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य की जो गतिविधियां हैं, ओके, स्टेट एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस. मतलब आप यू आर अ वोटर, ओके, आप वोटर हैं, आप अपने इच्छा से वोट डाल रहे हैं, सरकार की बातों का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा रही, ठीक है. यू आर रिजेक्टिंग द बेसिकली द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर सपोर्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट और यू आर क्रिटिसाइजिंग इट, व्हाटएवर, दैट ऑल विल कम विथ योर ओन चॉइस. अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुरूप आप राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं. वो हो गया आपका राजनीतिक स्वतंत्रता, सीधी बात. नाउ इसके बाद तीसरी बात आती है इकोनॉमिक लिबर्टी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशियल अकॉर्डिंग टू लास्की. लास्की ने बोला कि ये दोनों स्वतंत्रताएं जो है ना वो किसी काम की नहीं अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है. ये जो पॉलिटिकल प्राइवेट लिबर्टी है ये जस्ट मीनिंगलेस हो जाएंगी, ठीक है. आपको पॉलिटिकल फ्रीडम दे रखी है, प्राइवेट फ्रीडम दे रखी है, बट उसका क्या करोगे, अचार डालोगे, जब इकोनॉमिकल लिबर्टी है ही नहीं, ठीक है. सो लास्की ने बोला कि इकोनॉमिकल लिबर्टी मींस दैट सिटीजन शुड बी फ्री फ्रॉम द कांस्टेंट फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सफिशिएंसी. मतलब फ्रीडम फ्रॉम द वॉन्ट्स, जिसको हम बोलते हैं ना कि भूख से मुक्ति, ये डर ना होना कि कल मेरे पास काम होगा कि नहीं होगा. यहाँ पे इकोनॉमिकल लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि मैं अपना अपना जिसको जितना पैसा कमाना कमा ले, ठीक है. यहाँ इकोनॉमिकल लिबर्टी का, बिकॉज लास्की इज नॉट अ कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ थिंकर और ऐसे प्रॉपर क्लासिकल लिबरल काइंड ऑफ थिंकर, ओके, क्लासिकल लिबरल काइंड ऑफ थिंकर नहीं है लास्की, ठीक है. लास्की ने वो नहीं बोला कि भाई इकोनॉमिकल लिबर्टी मतलब जिसको जितना पैसा कमाना कमाई, नो, कॉन्स्टेंट फियर, फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो डर है उससे बचे रहना. मतलब स्पेशली जो आपके बोल सकते हैं जो उत्पादक वर्ग, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जॉब सिक्योरिटी होना, दैट इज इकोनॉमिकल लिबर्टी, ओके. मतलब राइट टू वर्क है, एक प्रकार से काम करने का अधिकार है आपको, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार हो, दैट इज इकोनॉमिकल लिबर्टी, ओके. बिकॉज जब आर्थिक रूप से इंसान मजबूत होगा, श्रमिक मजबूत होगा, तभी तो वो अपने राजनीतिक और निजी अधिकारों का उपयोग कर पाएगा. खाने को जब खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या करोगे राजनीतिक स्वतंत्रता का, निजी स्वतंत्रता का, ठीक है. हरोल्ड लास्की ने बोला कि इट ऑल्सो मीन्स द वर्कर शुड हैव द शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्टिव सिस्टम, ओके. जो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसमें एक वर्कर का अपना एक शेयर हो, उसको भी सही पैसा मिले, एम्प्लॉयमेंट हो उसके, उसको कल की चिंता ना हो कि कल मुझे क्या खाना है, क्या कैसे मेरे आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो चिंता ना हो. मतलब जॉब सिक्योरिटी हो, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है. बिल्कुल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हर्षिता कुमारी, फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है. अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए. चलिए, अरे भाई मुझे तो एक तो समझ नहीं आता, जब चीजें पढ़ाई जा रही ना उस समय आप लोगों के फालतू के सवाल चलते हैं. मीशा धवन का अलग सवाल चल रहा है, अरे भाई लाइव भी होती है, अभी मैंने 2 बजे तो क्लास लाइव ली थी, पेड क्लास भी लाइव होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, आप जाके देखो तो, कोर्स को तो खोल के देखो, दिसंबर साइकिल का लाइव कोर्स भी है, सब वहां दिखता है. चलिए, ओके, ये तीनों चीजें क्लियर है. सो अकॉर्डिंग टू लास्की ऑल अदर फ्रीडम बिकम यूजलेस एंड फ्रूटलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिकल लिबर्टी, ठीक है, फाइन. चलिए, क्लियर है ये सब कुछ, क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप दे दीजिए. ये तीनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए आपको, निजी स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता का जो अंतर बताया है बेसिकली लास्की ने, वो क्लियर है सबको. इसलिए सब पूछ रहे हैं, सब तो कोई नहीं पूछ रहे, पीनू खान जी आप ही पूछ रहे हैं, सबको पता है कि YouTube पे जो क्लास होती है वो फ्री होती है, ठीक है. चलिए, वंडरफुल. और मीशा धवन जी आप जाके जरा थोड़ा सा ऐप को ढंग से खोल के देखिए, वहां पे आपको
डैशबोर्ड के बगल में एक कोर्स का ऑप्शन दिखता है हमेशा, ओके, उस कोर्स वाले ऑप्शन में फिर वहां पेपर टू पॉलिटिकल साइंस पे जाइए, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगा लाइव क्लास का भी, एक है कंप्लीट कोर्स जिसमें पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया हुआ है, और एक है लाइव क्लास जहां पे लाइव भी मंडे वेनेसडे फ्राइडे, आज भी मैंने क्लास ली है, आज भी 2 बजे दिन में क्लास हुई थी लाइव, ठीक है, तो खोल के देखना पड़ेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलो अब फोकस करिए हम पढ़ाई पे। चलिए वंडरफुल, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। सो ये हो गया आपका प्राइवेट लिबर्टी, मतलब निजी स्वतंत्रता, मतलब सीधी बात है कि जहां पे व्यक्तिगत मामलों में आप स्वतंत्र है कि अपने जीवन से आपको क्या करना है, पॉलिटिकल स्वतंत्रता जहां पे आप राजनीतिक मामलों में क्या आपका रवैया है उसको आप पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से आजाद है, अपनी इच्छा से आप वोट डाल रहे हैं, आप अपनी इच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से फ्री। और आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, जब आपको डर ना हो कि कल के दिन आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आपको रोजगार, लाइवलीहुड की सिक्योरिटी होना। उन्होंने एक नया मतलब दिया इकोनॉमिकल लिबर्टी को, लास्की ने एक नया मतलब दिया कि इकोनॉमिकल लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने हिसाब से जितना पैसा कमाना कमाइए, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपका जो सोर्स है ना जिससे आप पैसा कमा रहे हैं उसको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है, ठीक है, आपकी जॉब कोई नहीं छीन रहा, ओके, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, वर्क करने की सिक्योरिटी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लास्की ऑल अदर फ्रीडम बिकम्स यूजलेस एंड फ्रूटलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिकल लिबर्टी, अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो उसके अभाव में बाकी सभी स्वतंत्रताएं जो है निरर्थक है। सवाल एग्जाम में आया था, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट नंबर 1 में आया था, आया था कि नहीं आया था, यही क्वेश्चन था शिफ्ट नंबर 1 में, किस विचारक ने बोला कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के बाकी सभी स्वतंत्रताएं जो है निरर्थक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हिच अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज सेड दिस थिंग कि विदाउट इकोनॉमिकल लिबर्टी द ऑल द अदर लिबर्टीज आर यूजलेस, सो इट वॉज लास्ट की शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन आया था। सादिया टेलीग्राम ये नाम है, आप इतना से लिखिए प्रद्युमन सर अंडरस्कोर टेस्ट बुक, और क्या उसको ज्वाइन क्या करना है, ठीक है, लिखा है प्रद्युमन अंडरस्कोर या फिर @PRADYUMN_sir, ठीक है। और ये सब चीज ना, आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास के बीच में ये सब नहीं, जो पढ़ा रहे उससे सवाल पूछो ना यार, कैसी मूर्ख हो जैसी बात करते हो, मतलब आप मुझे कभी कभी फील होता है कि यार ये बच्चे कभी कुछ जिंदगी में बने कि नहीं बनेंगे, बड़ा दुख होता है देख के आप लोग की स्थिति। क्लास चल रही है, हम कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझाया जा रहा है, उसको पढ़ने की जगह छोड़ के मेरे अपने अपने सवाल है कि सर ये क्लास पेड है कि फ्री है, सर वो मेरी क्लास लाइव होती कि नहीं होती है, सर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, अरे क्या समझ रखा है यार, चौधरी जी की पंचायत चल रही है क्या पर इनको करना है नेट जीआरएफ, बड़ा दुख होता है मुझे कि ऐसे ऐसे लोग जो है नेट जीआरएफ करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। क्लास में बैठने का सेंस तो सीखो कल के दिन, ठीक है, कल के दिन टीचर बनना है आप लोगों को, और आपको क्लास में बैठने का सलीका नहीं आता, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, कैसे खाक टीचर बनेंगे। लास्ट की पढ़ाया जा रहा है, इनका कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। चलिए ये सब सवाल जो है क्लास के अंत में पूछे जाते हैं, क्लास खत्म हो गई है, टॉपिक खत्म हो गया, चलिए अब आपके सवाल पूछ लीजिए, ओके चलिए लेट्स लास्की ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ओके समानता पे लास्की का क्या कहना है जरा फटाफट समझते हैं, ठीक है। पहली बात, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी, लास्की ने बोला कि देखिए समानता के लिए क्या चाहिए, जितनी भी स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म किया जाए, इट मींस कि सोसाइटी में फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इक्वालिटी लेके जाए, ओके। सो इक्वालिटी कैसे, एट द सोशल लेवल एवरीवन फ्रॉम रिचेस्ट पर्सन टू द पुअरेस्ट पर्सन, ओके, फ्रॉम हाई नोबल क्लास टू द लोअर क्लास, दे ऑल शुड बी कंसिडर सेम इन द फ्रंट ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है, प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए, जैसे कि भाई नोबल क्लासेस को, जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो जो नोबल क्लास के लोग हैं उनके पास ज्यादा अधिकार होते थे, उनके पास प्रिविलेजेस होते थे, और बाकी जो आम जनता उनके पास अधिकार कम होते थे, तो उनको खत्म किया। जैसे कि हमारे यहां भी अगर हम बात करें तो इंडिया में आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, ओके, आर्टिकल नंबर 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, या फिर बोल सकते हैं स्पेशल टाइटल्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है भाई। नाउ adequate opportunity are laid open to all and each may develop his personality, मतलब सबको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी दी जाए। समानता कैसे होगी,
सबको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिले जिससे सब अपना अपना विकास कर सके, अपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, प्रत्येक को ये अवसर मिल सके। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके फाइन, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज ऑल मस्ट हैव द एक्सेस टू सोशल बेनिफिट। सबको जो सामाजिक लाभ है, सामाजिक चीजें हैं जिसकी जो कि आवश्यक है, जो कि राज्य देता है, नो वन शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एनी ग्राउंड। ओके, सो किसी भी आदर जैसे हम हमारा आपका जो फंडामेंटल राइट है, ओके सॉरी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 15, ओके कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड एनीथिंग। ओके, किसी भी आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं, जो भी सामाजिक नियम कानून है, जो भी सामाजिक संसाधन है या फिर राज्य के संसाधन है, उस पर सबका हक रहेगा, सबको उसका फायदा मिल सके। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का की अनुपस्थिति मतलब ना होना। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तभी इक्वालिटी। ये चार पॉइंट्स उन्होंने स्पेशली बताए थे, दीज आर द फोर पॉइंट्स। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, सवाल आ सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी बात जो है, ओके इक्वालिटी के प्रिंसिपल में लास्ट की इनमें से किसको इक्वलिटी का एक प्रिंसिपल माना है, नहीं माना है। ठीक है, समानता को किस आधार पर देखा है लास्की ने, सो ये आपको समझना है। ठीक है, हाँ जी, लास्की की बहुत सारी किताबें, उत्तम कर मेरे आपसे 8-9 किताबें हैं अगर मैं सही रूप से बोलूं तो, 8-9 जो है काफी फेमस किताबें हैं, बट ठीक है जो मैं इंपॉर्टेंट थी मैंने वो बता दी है, उतना भी याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इनफ रहेगा। चलिए, सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दें, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, चलिए ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, या फिर चार लाइन स्टेटमेंट देंगे कि इनमें से कौन सा जो है क्लास्की का इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है। यहां बोले कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मतलब सबके पास अवसर, अवसर कैसे होंगे कि सभी को उस हिसाब से शिक्षित किया जाए, मतलब सोशल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज जिसको बोल सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सभी को वो अवसर दिया जाए जिससे वो अपना विकास कर सके। ठीक है फाइन, जैसे कि डिफरेंस प्रिंसिपल में जॉन रॉल्स बोलते हैं कि सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस को प्रोवाइड करना, मतलब स्टेट एक पॉजिटिव रोल। ओके, सो आप लास्की के आइडियाज क्लियर समझ सकते हैं कि लास्की जो है एक पॉजिटिव लिबर्टी के थिंक कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है उनका, कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अवसर दिया जाए, सबको पर्याप्त अवसर मतलब सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, फैसिलिटी जिससे वो इस लायक हो सके कि कल के दिन जो बनना चाहते हैं वो बन सके, मतलब सिर्फ फ्रीडम ना होना, उस फ्रीडम को यूटिलाइज करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी का होना, अवसर के प्रदान। हाँ जी, बता दो दिया, लास्की के बुक के नाम मैंने बताए तो थे, ये देखिए ना इतने सारे नाम बताए थे आपने, स्टार्टिंग से देखा ही नहीं क्या? यहां देखिए सबसे स्टार्टिंग में लास्की किताबों के नाम बताए तो है मैंने भाई, ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट ऐसे और ये किताब है जो याद रखने लायक एग्जाम में। ठीक है, सब लिख के बता दिए, स्टार्टिंग से थोड़ा क्लास में फोकस यहां रखा करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कम फोकस रखा करिए आप लोग, यहाँ क्लास में फोकस रखा करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एसेज है, प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी, अथॉरिटी इन मॉडल, जो इंपॉर्टेंट किताब है बस इतना, ये नहीं कि दुनिया भर की सारी किताबें रट रहे हैं। ठीक है, उतना भी काम का नहीं है, थॉट को समझ लीजिए, जो फेमस किताब है उनका नाम, दैट विल बी इनफ। ओके, चलिए चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट जो टॉपिक है हमारा लास्की का, दैट इज लास्की थ्योरी ऑफ राइट, अधिकारों के बारे में लास्की का क्या सिद्धांत है, जरा फटाफट देखते हैं। तो अधिकारों के बारे में लास्की ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जो कि वो कहते हैं, दोस कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच अ मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट बेस्ट, अ स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स। ऑब्वियसली बात है, ये स्टेटमेंट जो कि फेमस है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि राइट्स को उन्होंने किस प्रकार समझाया कि जिस प्रकार के अधिकार राज्य देता है उसी से उस राज्य को पहचानते हैं। और अधिकार क्या है, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा इंसान अपने अंदर का सबसे बेहतर, सबसे उत्तम जो है वो निकाल के ला सकता है। ठीक है फाइन, सो ये उनका राइट्स को लेकर पर्सपेक्टिव था। चुनाव अकॉर्डिंग टू लास्की राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, लास्की के हिसाब से अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, एक दूसरे पर वो आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय है। फॉर हिम मैन पजेस राइट्स नॉट बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंडिविजुअल पर्पस बट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉमन गुड। ओके, so he was a supporter of, okay, he was seeing state as an agent which is ensuring public interest,
मतलब उन्होंने राज्य को कैसे देखा, उनके हिसाब से राज्य क्या है, एक ऐसी संस्था जो कि सार्वजनिक हितों का ध्यान रख रही है, जो कि कॉमन गुड के लिए काम करे, व्यक्तिगत नहीं। बिकॉज कैसे थिंकर है, जैसे कि मैंने आपको बताया मार्क्सवादी विचारक है, समाजवादी विचारक है, सोशलिस्ट टेंडेंसी उनके अंदर दिखती है, एक सोशल लिबरल भी बोल सकते हैं वैसे देखा जाए तो, थोड़ा बहुत उदारवाद भी है बिकॉज सिविल लिबर्टीज की बात की है, प्राइवेट लिबर्टी की बात की है, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की है, तो उदारवादी सिद्धांत भी है, तो सोशल लिबरल बोल सकते हैं आप। लास्की को देखिए, लास्की को अगर जाना जाए तो एक सोशलिस्ट थिंकर के रूप में बोल सकते हैं उनको, समाजवादी विचारक है, या फिर सोशल लिबरल थिंकर बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर जैसे कि हम इवोल्यूशन सोशलिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, ठीक है, इस प्रकार से आप, या फिर वेस्टर्न वेस्टर्न मार्क्सिस्ट भी बोल सकते हैं, वेस्टर्न मार्क्सिस्ट वैसे नहीं बोलना, इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उतना ज्यादा स्कोप नहीं था वहां पे, फाइन। स्कूल स्कॉलर की ओके फाइन। नाउ राइट्स आर इसेंशियली ड्रिवन फ्रॉम मैन्स ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, ओके, एंड सो देयरफॉर टू सिक्योर राइट्स मैन मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉमन गुड, ओके। सो ही वाज वेरी क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, ओके, देयर इज नो, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट जॉन लॉक, ओके, सो जॉन लॉक इज वेरी क्लियर कि ओके इट इज नेचुरल राइट, इंडिविजुअल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, दैट वाज द फोकस ऑफ द लिबरल थिंकर। तो अगर हम उदारवादी विचारों की बात करें तो वो राइट्स को कैसे देखते हैं कि जो कि व्यक्तिगत अधिकार, ओके, राइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिविल पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी, ओके, सिविल थ्योरी ऑफ राइट्स कि नागरिक स्तर पर या फिर व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल थ्योरी ऑफ राइट, ओके, व्यक्तिवाद वहां देखेगा, बट लास्की के आइडियाज में आपको राइट्स जो है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ड्यूटीज, विद कॉमन इंटरेस्ट, अधिकार है, अधिकार आवश्यक है व्यक्ति के विकास के लिए, परंतु वो सार्वजनिक हित के लिए है, वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, फाइन। चलिए, यही आइडिया स्टेट पर भी आइडिया क्या बचा प्रदीप, यही है ना कि राज्य को एक्चुअली ये बताइए व्यक्ति और राज्य के बीच का रिश्ता कहां से निर्धारित होता है, ठीक है प्रदीप, आपसे मैं एक अगर सवाल पूछूं कि इंसान आपका और राज्य का रिश्ता किस आधार पर बना है, कि राज्य कौन से अधिकार आपको दे रहा है, कैसी स्वतंत्रता दे रहा है, ठीक है, कैसी समानता क्रिएट कर रहा है, तो बस वही है राज्य का पर्सपेक्टिव भी, जो मैंने बोला ना कि सोशल लिबरल पर्सपेक्टिव है, तो राज्य को भी उसी रूप से देख रहे हैं, ठीक है, कि एक ऐसा राज्य जो कि सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे, लोगों के साथ जो भी हो सकते हैं असमानताएं और ये असमानताओं को दूर करे, ठीक है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल में वो राज्य से क्या बोल रहे हैं कि एडुकेट अपॉर्चुनिटी दी जाए सबको, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिकल सोशल इनइक्विटीज, राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट, सीधी बात है, लास्की जो है कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जो कि सामाजिक हितों का ध्यान रखे, कॉमन सेंस यार, हित तो निकल जाएगा वहां से आप, ठीक है। अच्छा स्टेट पे भी, अच्छा ओके ओके फाइन ओके फाइन ओके ओके फाइन, ठीक है प्रदीप, मुझे लगा कि आप सवाल पूछ रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई गेस नाउ समझ गए होंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। अच्छा जाने से पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फाइन। हैरोल्ड लास्की की आज ही हमने क्लास ली है, बहुत दिनों से पेंडिंग थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस के टाइमिंग देख लीजिए, फ्री क्लास 5 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM, अभी फिर से मैं मिलूंगा आप सभी को, ठीक है, लास्की का जो कुछ पढ़ाया उसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। सो अभी 5 बजे हम YouTube पे मिलते हैं फ्री क्लास में, फिर 6:30 PM पे फ्री क्लास होती है जिसमें जो भी पढ़ाया उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। सो प्रैक्टिस टेस्ट जो है ओके लास्की का प्रैक्टिस टेस्ट होगा, उससे पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आपको इस क्लास के समाप्त होने के बाद, ओके, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके, ये क्लास जैसी खत्म होगी इस होमवर्क क्वेश्चन का जवाब सबका आ जाना चाहिए, जितने भी बच्चे बैठे, आई कैन सी कम से कम 160 बच्चे क्लास में बैठे, तो 160 के 160 बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फाइन। सो मिलते हैं 6:30 PM पे, बाकी 6:30 बजे मैं आप सभी से मिलूंगा ओके लाइव क्लास में, और वहां पे हम लास्की का जो भी मैंने पढ़ाया उससे संबंधित कुछ सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं होगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए प्रद्युमन सर _ टेक्स्टबुक, ओके टेलीग्राम ग्रुप ये है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस इतना लिखेंगे प्रद्युमन सर _ टेक्स्टबुक, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, PREDYUMN_ सर, ठीक है।
और पेड कोर्स लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर कॉल नहीं कनेक्ट होता तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सपोर्ट टीम को बोल दूंगा आपको हेल्प कर दें, ठीक है? फाइन, एरिस्टोटल की सर, एरिस्टोटल की क्या, क्या क्लास नहीं, एरिस्टोटल की नहीं, ये तो हेरोल्ड लास्ट की क्लास थी एरिस्टोटल अगर, हाँ पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा एरिस्टोटल की क्लास, ठीक है? शुभाली द्विवेदी, सॉरी दुबे, पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा एरिस्टोटल क्लास, ठीक है? ओके फाइन, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल सी यू एट 6:30 PM फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच. Do like the session before leaving the class, okay? Like करना भूल जाते हैं आप लोग, like कर दीजिए, share कर दीजिए session को, ठीक है? चलिए, bye bye, thank you so much.